बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लमों को इग्नोर करने की जगह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए यही सोचते थे। खराब हो फेंकी दीदी हो तो ये लई ना पी एने पाछ खोले खोली पाछ व्यवस्थित करे जो प्रॉब्लम नहीं फेस की उनको ही लगा कि ये प्रॉब्लम ये सॉल्व होनी चाहिए। उसी का सॉल्यूशन हम दोनों लेके आ रहे हैं शार्क टैंक। नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। पिच शुरू होने से पहले एक गर्मा गर्म चाय हो जाए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको पता है पूरा रुख बदल जाएगा इस पिच का अगर आपने अच्छी चाय बनाई। धवल जी सर, शार्क टैंक पे स्वागत है भाई आपका। आप जानते हैं इनको, बहुत मजेदार कहानी मैं आपको भी सुनाऊंगा बाद में। अरे वाह, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो मैं थोड़ी कम शुगर वाली चाय। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चाय मस्त है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, मजा है। चलिए थैंक यू फॉर द टी। थैंक यू। बड़े बड़े बिजनेस की शुरुआत चाय पे ही हो जाती है तो हमने सोचा यहाँ क्यों नहीं। बहुत अच्छे। सुबह उठने पर हमें क्या चाहिए, एक कप चाय। अरे ऑफिस में ब्रेक लेना है तो क्या चाहिए, एक कप चाय। और सलमान भाई को भी क्या चाहिए, एक गरम चाय की प्याली। हम इंडियंस को चाय का इतना क्रेज है कि आज हर गली हर नुक्कड़ पर एक टी स्टॉल है जहां हम जब चाय पीने जाते हैं या तो पेपर कप या फिर ये ग्लास में चाय दी जाती है। पेपर कप कहने को तो पेपर कप है लेकिन उससे हमको और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। और जब ये ग्लास में चाय दी जाती है, ये ग्लास कहाँ और कैसे वॉश होते देखा है आपने? देखा है। इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है टी ग्लास वॉशिंग मशीन जो कि हाइजीनिक 12 से 15 ग्लास वॉश कर सकता है एक साथ सिर्फ 30 सेकंड में। इस प्रोडक्ट की यूएसपी है इसकी कॉम्पैक्ट साइज एंड सिंपल डिजाइन। और तो और इस डिजाइन से ऐसी और भी कई प्रोडक्ट डेवलप की जा सकती है फॉर वॉशिंग इंडस्ट्री। हमारा विजन है साक्ष कि इंडिया के हर टी स्टॉल पे ये मशीन देखा जाए और सबको एक हाइजीन चाय मिले। साक्ष, मैं हूँ जयेश नाई और मेरी उम्र 22 साल है। और मैं हूँ धवल नाई, मेरी उम्र है 20 साल। और हम है टीम महंतम फ्रॉम बनासकांठा गुजरात से। हमारी आज के 30 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो भैया सेमा पीस रोज चा हुए? वो तो महंतम ना ग्लास वॉशर में धोयला कप में चा पी। यार आज मजा आ गया। धवल जयेश बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्क टैंक पर। मुझे ये लग रहा है आपसे ज्यादा मैं नर्वस हूँ। मुझे मेरी पहली फंडिंग राउंड मिली थी ना या जब कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी यूएस में, मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई थी जो आज आ रही है आपको देख के। यू नो द स्टोरी? लास्ट ईयर मुझे लगा देखिए शार्क टैंक इंडिया में पहुंचने के लिए भी लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते। 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हो गए। बहुत एप्लीकेशंस आते हैं। एंड आई थॉट अबाउट माय ओन जर्नी कि हम सबको एक मौका मिले। वो मौका मिलने के बाद मैंने 200 कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, आज मैं यहाँ बैठा। लेकिन इतने लोग हैं वहाँ पर जिनके पास आइडिया है लेकिन रुकावट ही रुकावट है। अगर आपको बिजनेस प्लानिंग नहीं बनाना आता तो आप कैसे वीसी के पास पहुंचोगे, कैसे पैसे उठाओगे, कैसे शार्क टैंक आओगे? सिर्फ 1 मिनट का आपको रील बनाना है और सिर्फ ये बोलना है क्या करना चाहते हो और क्यों। एंड आवर टीम विल पिक अ फ्यू एंड गिव देम अ ग्रांट फॉर नो इक्विटी। वाओ, तो धवल और जयेश को उनको एक ग्रांट मिला हमारे थ्रू। लवली लवली। और मुझे यहाँ आपको देख के मेरा सपना साकार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बताना चाहता हूँ, ये जो आप मशीन देख रहे हैं हमारा लेटेस्ट वर्जन है और ये मशीन हम आप ही की ग्रांट से हमने बनाया है। wow. तो इसीलिए हम बना सके, अदरवाइज हम ओल्ड वर्जन इसका लेके आते। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। धवल और जयेश थोड़ा बताइए क्या कहानी है आपकी? सर मुझे शुरू से ही एक बिजनेस करने का बहुत ही शौक था। तो जब मैं लॉकडाउन पे हम घर पे थे तो ये उसका मशीन का वर्क कर रहा था और मैं कोई भी बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था कि किसे बिजनेस करे, कैसे आगे बढ़े। और तभी इसने मशीन डेवलप कर दिया। फिर हम दोनों भाई ने मिलकर तीन आप दोनों भाई हैं? हाँ।
और आप दोनों ने स्कूलिंग एक ही स्कूल से किया है? हाँ, मैं 11वीं तक और ये 9वीं तक हम एक ही स्कूल में थे। अच्छा। बाद में मैं धानेरा गया और ये डिप्लोमा करने पालमपुर गया। अच्छा। शुरुआत में मैं सीधा जैसे गया सब प्रोफेसर से मिला, एक सर ने बोला कि काम कर, इस सर से पास जाओ और बात कर। तो इस तरह से मैं ब्रिजेश पटेल सर से मिला, जो अभी मेरे मेंटर है। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो जैसे कॉलेज के बाहर एक टी स्टॉल होती है, वहाँ पे मैं रोज चाय पीता था। हम सब पीते थे कॉलेज के बाहर स्टॉल पे, नहीं? हाँ, हम अभी भी पीते हैं। रोज देखता था कि वो टब है, एक टब में पानी है और उसमें सारे ग्लास है और वो ऐसे कैसे करके दे रहे हैं। लेकिन हमको भी नॉर्मल लगता था कि क्योंकि रोज पी रहे हैं, अभी उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं बैठा था और मैंने देखा कि उन चाचा की एक बकरी थी। बकरी आई, बकरी ने मुंह डाला पानी में और पानी पीने लगी, उसी पानी में जिसमें ग्लास है। ये आपने अपने मशीन में धोया है ना, उसमें तो नहीं धो, तब में तो धोके नहीं लाए हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इसलिए मैंने सॉल्व कर दी। थैंक यू, सो क्यूट। तो मैंने देखा, मैंने चाचा को बोला, चाचा चाचा ये बकरी मुंह डाल ली है पानी में। तो चाचा बोला, बेटा क्या है इसमें, मतलब क्या है ये, तो आंखों देखिया का जहर है, उनकी लैंग्वेज में ये बोला। इग्नोरेंस इज ब्लिस। सबसे पहले मैंने काम किया वहां पे, चाय पीना छोड़ दिया दूसरे ही दिन। फिर कोरोना में जब घर पे था, पापा ने कोरोना से पहले जस्ट मेरे को एक लैपटॉप दिया था, तो मैंने लैपटॉप लिया और यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू मेक डिजाइन, और मेरे को 6 महीने लग गए डिजाइन सीखने में कि किस तरह से डिजाइन करते हैं। जैसा ही अनलॉक हुआ, धानेरा गया अपने पापा के साथ, और पापा ने एक पलंग बनवाने जिसके पास दिया था हार्डवेयर की दुकान पे, मैंने पापा से बोला कि एक मिनट मेरे लिए बात करो ना। तो मैंने बात करवाई उन सेठ से कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा और मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर धीरे 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 मैंने बात घुसाई अपनी कि क्या मैं थोड़ा बना सकता हूँ ये जो भंगार साइड में पड़ा है उससे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 2 घंटे बीच में गैप पड़ती थी पूरी, उस टाइम में मैं अपना काम करता था। और मैंने थोड़े टाइम में एक मशीन बना दिया जो बहुत ही फेल, पूरा फेल गया मशीन। ये मशीन है वो, इस फेल डिजाइन को भी बनाने में 6 महीने लगे। दूसरा मशीन बनाया, पूरा फेल हो गया वो भी, लेकिन पूरी वो मैकेनिज्म जो मुझे चाहिए थी वो बन गई थी मेरी। ऐसे ही तीसरा मशीन बनाया, वो भी फेल हो गया। चौथा मशीन बनाया, वो भी फेल हो गया। एक दिन वो मशीन बना रहा था और वो अंकल आए और मुझे बोला कि बेटा तू अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारे कारीगर का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तू रहने दे। तो मैं अपने सर से मिलने गया पालनपुर और सर से बात की कि सर मेरे को ऐसा मशीन बनाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो सर ने बोले तो क्या चिंता कर रहा है, ये ले 10,000। तो मैं गया और बनाना स्टार्ट किया। 1 महीना मेरे को लगा, जो भी मेरे को मैकेनिज्म, जो भी मेरे को पानी का फ्लो चाहिए था वो पूरा रेडी हो गया, मीन्स प्रोटोटाइप रेडी हो गया। ग्लास वॉश मार्केट के लिए रेडी नहीं था। एक यूट्यूबर था, मेरा फ्रेंड ही है, तो उसने मुझे बोला कि ठीक है चल तेरा एक वीडियो बना देते हैं। उन्होंने मेरा एक वीडियो निकाला और यूट्यूब पे डाल दिया। बढ़िया। एक सूरत में इंजीनियर है चाय मेकर्स बाय इंजीनियर्स करके, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये वीडियो देख के उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मेरे को ये मशीन चाहिए। वो चाय बनाने वाले थे? जी 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 जी। अभी मेरे को सक्सेस वाली फीलिंग आने लगी। फिर मैंने अपने प्रोफेसर से बात करी, मेंटर से। मेंटर ने बोला कि ठीक है तू मशीन दे के आ, लेकिन पैसे मत लेना उनसे, वैसे ही दे देना क्योंकि तेरा ये फर्स्ट मशीन है। मैंने बोला ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैसे की थी, तो मैं फिर कॉलेज गया, अपने प्रोफेसर से मिला। फिर मैं दूसरी कॉलेज भी गया और वहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट किया। ऐसे करके मैंने 1,00,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। उस 1,00,000 से 5 मशीन बना दिए और अभी सेल में आना था। तो फिर मेरा भाई मेरे साथ जुड़ा और हमने 3 मशीन बेच भी दिए, एक मशीन कर्नाटका में, एक मशीन तमिलनाडु में और एक मशीन महाराष्ट्र में। तो कितने का बेचा आपने मशीन? पहला मशीन मैंने 20,000 में बेचा, दूसरा मशीन 28 में और तीसरा मशीन भी 28 में। में जो सोशल मीडिया की पावर है, वी लाइक 5-6 एंटरप्रेन्योर्स, इनक्रेडिबल इनोवेशन करो एक गांव में, यूट्यूब पे डालो, ऑर्डर्स आ रही हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब मेरा भारत बदल रहा है। तो क्या कहते हैं, भारत बिजनेस सीख रहा है, बिजनेस की वैल्यू सीख रहा है।
मम्मी पापा क्या करते? मेरे पापा स्टूडियो चलाते हैं, स्टूडियो मींस फोटोग्राफी और LIC एजेंट है, और घर पे बार्बर का काम करते हैं। तो अभी आपके पापा क्या बोलते हैं ये आपकी जर्नी को देख के और आपने जो अभी तक सफलता पाई है उसको देख के? पापा तो यही बोलते हैं कि तुम दोनों पे भरोसा है, तू जो करना चाहता है कर। बहुत खुशनसीब हो यार। पहली मशीन में अपने 20 में बेची और जो बाकी दोनों थी वो सेम थी या उससे कुछ सीखा कुछ आपने? जी 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 सर, जरूर सीखा। पहली मशीन थी वो जस्ट इंटरनल वॉशिंग करती थी, लेकिन कस्टमर ने बोला कि इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने कप रखे और भरते टाइम वो अगर बाहर भी गंदे हो रहे तो फिर वही का वही हो गया कि हमको दूसरी बार पानी में डालना पड़ेगा। तो फिर हमने उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अटैचमेंट किए, तो ये लेटेस्ट डिज़ाइन इस तरफ का है। तो ये आपका रेडी फॉर मार्केट वर्जन? यस। आपका डेमो करें ये चाय के ग्लास के साथ? चलिए चलिए, इसी को धोएंगे। हाँ जी, क्या करना है इसमें, कहाँ रखना है? इसमें चाय नहीं है सर, है थोड़ी सी। ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। टूटेगा नहीं ना ग्लास? नहीं नहीं टूटेगा। ये भी दे दीजिए। कितने लोड कर सकते हैं एक बार में? एक बार में हम 15 कप इसमें लोड कर सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग प्रोसेस क्या है? जैसे ये ग्लास वॉश होकर बाहर आएंगे, दूसरे कप ऑटोमेटिक लोड हो जाएंगे। अभी सर आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे होल्ड करना है ना? थोड़ा होल्ड आगे, जैसे स्टार्ट होगा होल्ड करना है, अभी होल्ड करना है, अभी पूरा खींच लीजिए, खींचो। ओके, अभी वापस छोड़ दीजिए। अच्छा, दो हो गए, इसमें स्टैक होते जाएंगे। हाँ। 5, 5, 5, 15। यस। जो चाय की दुकान होती है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का आउटलेट रहता है, क्योंकि ये तो बिजली से चल रहा है। जैसे जो पटरी पे खड़े होते हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि बिजली हो। इट्स अ गुड पॉइंट सर। इसके लिए पहले तो टारगेट मार्केट समझ लेते हैं कि हमने किसको टारगेट किया है। तो हमने टारगेट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बचाने के लिए, हाइजीन मैनेज करने के लिए, और थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी। आई लव इट। तो टारगेट मार्केट वही है कि जिनके पास पूरा इंस्टॉलमेंट है, चाय गर्म करने के लिए एक शॉप है, तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, 12 वोल्टेज की बैटरी होती है, ये जो एक बल्ब जलाने के लिए भी वो लोग रखते हैं, उसी से ये चल जाता है। हाँ जी, पर वो बैटरी को जल्दी कंज्यूम कर लेता होगा ना ये। 10,000 ग्लास वॉश करने पर सिर्फ 9 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लेता है। बैटरी कितने की आती है? बैटरी आती है 1200 से लेके 3-4 हज़ार की आ जाती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। लेकिन इससे कोई बचत भी होती है पैसे की? कोई भी नॉर्मल टी स्टॉल वाला अगर पेपर कप यूज कर रहा है, 800 से 1000 पेपर कप यूज करते हैं, तो उसको 30 दिन का 6,000 तक खर्चा आता है। 6,000 10 पैसे एक ग्लास का? हाँ ठीक है। और अगर वो कोई लेबर रखता है तो लेबर को भी मिनिमम एक दिन के 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और इसलिए वो पेपर कप यूज करता है, वो पेपर कप का हिसाब लगाए तो 6 महीने में ये हमारा मशीन बिल्कुल फ्री हो जाता है। बट धवल जयेश एक चीज बताओ, दुकान वाली चाय वाले लोग कम ही होते होंगे ना? नॉर्मली तो ये रेडियो में ही चाय होती है ना? ऑलरेडी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आई हुई है कि भाई मेरा ठेला थोड़ा छोटा है, इस मशीन को मेरे को थोड़ा छोटा करके दे। इस मशीन को जैसे ये 3 कॉलम है, लंबा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं, तो इसकी साइज भी कम हो जाएगी, और पानी का कनेक्शन के लिए जो वो पानी यूज करता है पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, सेम कनेक्शन वो उसमें दे सकता है। और अभी कितना पानी यूज होता है एक दिन में? 38 लीटर का ये कंटेनर है, और इस एक कंटेनर से 250 ग्लास तक वॉश हो जाते हैं। तो ये पानी और बिजली का महीने का कितने का खर्चा है? कैलकुलेट कर रहे हो? हाँ जी जी। आप कैलकुलेट कर रहे हो, तब तक आप ये बताओ इसके अंदर सोप पड़ा है? मैम सोच लेता हूँ एक आंसर, फिर दोनों काम कैसे करेगा? ओके सर, महीने का खर्चा मैं बताता हूँ। अगर कट करके कंप्यूटर की तरह जवाब आया, अगर दिन का 1000 ग्लास वॉश कर रहा है तो इसका दिन का इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है 1 रुपये। चलो मार्केट को थोड़ा समझे। मेरा सवाल नहीं, सॉरी। हाँ, वो सोप कहाँ पे है इसमें? इस मशीन में सोप नहीं है, ये जस्ट पानी के प्रेशर से वॉश करता है। पर चाय वाले अभी तो साबुन से धोते हैं, राइट? उनका जो टब होता है उसमें साबुन वाला पानी होता है, फिर वो साफ पानी में डालते हैं, राइट? वो कोई धोता है, अदरवाइज साबुन से नहीं धोते हैं। माय गॉड। हाँ, लेकिन उनको चाहिए सोप वाला, आप दे सकते हैं, उसमें कुछ मतलब बड़ी मैकेनिज्म है ही नहीं, जैसे ये पानी काम कर रहा है, बस एक कनेक्शन दे दो सोप वाला।
अभी कितना 28,000 ही लगा रखा है ये लेटेस्ट मशीन का प्राइस? हाँ 28,000। इसमें मार्जिन कितना बचेगा? हमने इसका मैन्युफैक्चर हमको 19,000 में पड़ा है, तो 32% मार्जिन रहता है। तो कितनी मशीन बेचोगे इस साल? इस साल का हमारा माइलस्टोन है 50 मशीन। 50 मशीन, 30,000 के हिसाब से जी। कितना रेवेन्यू हो गया? 15 लाख हो गया। पर आपने मांगा है 30 लाख 10%, क्या करेंगे इस पैसे का और इन्वेस्टर का पैसा कैसे बनाएंगे ये बताइए। हमने पहले सोचा है कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह नहीं है, तो हमारे पास वो बेसिक टूल भी नहीं है, तो पहले तो वो सारी मशीनरी टूल्स बेसिक टूल्स वो सब चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और हमको R&D के लिए पैसा चाहिए कि हम दूसरे भी वर्जन पर थोड़ी R&D कर सके। आप इन्वेस्टर का पैसा आप रिटर्न कैसे करोगे? उस पैसों में से 50 मशीन के लिए हम पैसे लगेंगे, नहीं कि पूरे 35 लाख लग जाएंगे सिर्फ 50 मशीन बनाने के लिए, जिसमें SKUs हमारे है कि ये इंटरनल वॉशिंग है, दूसरे इंटरनल एक्सटर्नल वॉशिंग है, तीसरा है ग्लास वॉशर की जो लग्न प्रसंग में जो खाने पीने के लिए जो ग्लास होते हैं, कटोरिया होती है, उसके लिए भी हम मशीन बनाएंगे। तो इन शॉर्ट हमने सोचा था कि हम टी स्टॉल में घुसेंगे, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि हमने सोचा था उससे मार्केट बहुत बड़ा। तो अल्टीमेटली अभी तक ये तय नहीं हुआ है आगे जाके आप कितनी बड़ी कंपनी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप अभी यही देख रहे हैं कि 50 मशीन का प्लान है, धीरे धीरे कर तक यहाँ पहुंचे हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन सपना यही है कि आगे जाके बड़ी कंपनी बने, बड़ा बनना है बस। क्या यही बात है? Yes. जयेश धवल, ये बहुत अर्ली स्टेज कंपनी है जिस, तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज आपके पास नहीं होगा। करेक्ट। आगे क्या सफर तय करना है वो देखेंगे, लेकिन आपने जो मासूमियत और मेहनत है उससे मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ, तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। मैं 30 लाख आपको देता हूँ, लेकिन फॉर 20% ऑफ योर कंपनी। तो अनुपम, अगर आप चाहो तो हम भी आपको हेल्प कर दें। ये ऐसा काम है, अगर मिलके करेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और पूछ लो अगर और कोई आना चाहता है तो वेलकम। अनुपम आप ये लीड करिए हमारी तरफ से, हम पांचों इन है। Are you guys all? Yeah. All right. 5 shark deal. Final offer ये है। All 5 sharks, 30 लाख रुपए देंगे for 20%, मतलब कि 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन हुई। ये बहुत कम होता है शार्क टैंक। एक और बात है भाई, ये भी समझ लो, जैसे इस देश में प्रेरित हुए शार्क टैंक इंडिया से, आपकी कहानी देख के अभी सारी रुकावटें जाने वाली। हर गांव में बच्चा बोलेगा मुझे भी आविष्कार करना है, एक बड़ा धंधा बनाना। और देखो अनुपम की मेहनत से आप यहाँ से यहाँ आए हो, हमारी मेहनत से आप यहाँ से कहाँ जा सकते, पांचों की मेहनत से। तो सोचो। All sucks. Thank you so much for giving us deal and हम 5 sharks को लेना चाहेंगे और ये डील पक्की है। वो देखिए 3 days में फुल सुख वांगलू इनोवेशन करता है। हो ही जाएगा। All right. Thank you so much. Thank you. यार खुश कर रहे हैं। चलो। बढ़िया। आज हम लोग एक गेम से शुरुआत करेंगे। Alright. ठीक है? आप लोगों के साइड में हाँ या ना का बोर्ड है। Yes. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, शर्त ये कि आप लोगों को सच वाला जवाब देना है हाँ या ना दिखाकर। पहला क्वेश्चन है, कभी आपको नींद आने में परेशानी हुई है? रोज। कभी जिंदगी में जिंदगी के फेलियर के खुद से आप डरे हैं? कभी आपको एंजाइटी, बर्नआउट या स्ट्रेस की वजह से चेस्ट में भारीपन महसूस हुआ है? क्या आप लोग रेगुलरली एनुअल हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट करवाते हैं? और आखिरी वाला, क्या आपने कभी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करवाया है? आपने किया है? शार्क्स, हम सबको शायद ये पता ही है कि आज दुनिया में
हमारा देश सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है, क्योंकि हम लोगों को अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। इसीलिए हमने बनाया है माइंड पियर्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं कनिका। और मैं हूं साहिल। हम दिल्ली से हैं, हम हैं फाउंडर्स माइंड पियर्स के। माइंड पियर्स एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं जांचता बल्कि आपको प्रोएक्टिवली मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव भी करता है। हमारे पास है एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम जो कि आपकी जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को, जैसे कि आपका करियर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके रिलेशनशिप्स, इन सबको मेजर करता है और बताता है ये सारी चीजें आपके दिमाग पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और उसके बाद आपको एक रियल टाइम स्कोर देता है। हमने बनाए हैं इन हाउस न्यूरोसाइंस गेम्स, बिहेवियर चेंजिंग और हैबिट फॉर्मिंग टूल्स भी। माइंड पियर्स में हम 3.5 लाख यूजर्स हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिंगापुर, यूके, यूएस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारी आस्क है 53 लाख्स फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स, तो आप रेडी हैं मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट देने के लिए? अब तो सबका जवाब होना चाहिए हाँ। हाँ। कनिका, साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया। इस प्रोडक्ट पे जाने से पहले बताइए थोड़ा, कैसे आपको इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपने सोचा ये स्टार्ट करना है? 13 साल मैं सिंगापुर में रही। 2013 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी। बाकी सारे इंजीनियर्स की तरह मैंने भी बड़ी कंपनी से काम करना शुरू किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मैं सारा एशिया पैसिफिक मार्केट का कंज्यूमर ब्रांडिंग, कैसे कैंपेन्स रन करने हैं दोनों ही कंपनीज में, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, ये सब कुछ मैं देखती थी। ठीक है, फिर 2017 के शुरुआत तक मैंने वहाँ काम किया, और उस टाइम पे इंडस्ट्री जो थी डिजिटल की एक ट्रांसफॉर्मेशन कस्ट पे थी, साउथ ईस्ट एशिया इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा एक एजेंसी शुरू करके देखते हैं, सर्विसेज एजेंसी। तो 2017 में मैंने अब कंपनी को शुरू किया। उस कंपनी का नाम था पैशन पियर्स। मैं सोलो फाउंडर थी, मैंने उसको बूटस्ट्रैप करा। कंपनीज लाइक एसटी लॉडर, मार्क्स एंड स्पेंसर, यूनिलीवर, ये सब मैंने, हम लोग ने पिच किया, सारी पिचेस हम जीतते थे। 2 ईयर्स के विद इन मेरी पहली कंपनी का रेवेन्यू कुछ पहुंच चुका था $12 million। लेकिन आई थिंक जब आप फाउंडर बनते हैं, तो मैं अभी भी कभी भी किसी को बताती हूँ, बहुत कम लोग पूछते हैं, तो 2017 में ही मुझे एंजाइटी होने लगी, क्योंकि मुझे कभी भी नो बोलना नहीं आया। और बिगेस्ट चीज थी कि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था। फेलियर की कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में। अब ये सब चीजें पैनिक अटैक्स में बदली। मैं थेरेपिस्ट के पास गई, तो थोड़ा साइंस को खुद भी पढ़ना शुरू किया। अराउंड 2019 के एंड में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई एक एजेंसी की, जो मेरी एजेंसी के लोगों को एक्वी हायर करना चाहती थी, और उन्होंने हमारे पूरे टैलेंट को लिया, और मेरे पास इक्विटी भी है, फाउंडर इक्विटी, पर अब मैं उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आपको उसमें एग्जिट मिली है? 1.1 मिलियन USD का जो है फाइनेंशियल एग्जिट मिला। आप कितने साल की थी जब आपको ये मिला? 1.1 मिलियन जो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के बराबर है। तो मैं थी 27 साल। अमेजिंग। 27 साल में तो यार हमारे पास 20,000 नहीं होते थे, तो सोचो 27 साल में एक वेंचर बना के एग्जिट लेके दूसरा वेंचर शुरू कर दिया। इनक्रेडिबल। और अभी उसके बाद क्या किया फिर आपने, आप बता रहे? इसमें इंटरेस्ट आ गया था, बहुत रिसर्च करी, बहुत सिंपल चीज से शुरू किया था कि थेरेपिस्ट कुछ रखे प्लेटफॉर्म पे और बोला कि थेरेपी अवेलेबल है, मार्केट प्लेस की तरह शुरू किया। अगस्त में एक इन्वेस्टर को पिच किया, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा आइडिया है, बस वहां से माइंड पियर्स की शुरुआत हुई। एंड कौन आया था इन्वेस्टर, एंजल? सबसे पहले थे संजय मेहता, 100x VC। सबसे पहले मतलब अभी भी कोई राउंड हुआ है आपका? उसके बाद एक राउंड हो चुका। कब कब हुआ वो? अभी जब संजय वाला राउंड हुआ था, तो उसमें हमने टोटल रेस करे हैं 1.12 करोड़। क्या वैल्यूएशन था? 33.75 करोड़ की वैल्यूएशन। उसके बाद का राउंड अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, और हम आप लोगों को उसी राउंड में शामिल करना चाहते हैं। इस टाइम पे इसीलिए 53 लाख का आंकड़ा बैठा है।
That explains the number. Yes. तो साहिल आपका कोई रोल है? मैं उसी पे आ रहा था. So मैं 2013 में ग्रेजुएट करा था बीटेक की डिग्री. अनलाइक हर मेरा पूरा करियर स्टार्टअप में ही रहा है. दो साल काम किया अलग अलग प्रोजेक्ट पे, म्यूजिक इंडस्ट्री के गेम्स बनाई. बट वहाँ पर मेरा एक इंटरेस्ट था कि जब भी मैं एक डीप डाउन ऐसी प्रोडक्ट में जाता था वहाँ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था. सो दैट वॉज माई फर्स्ट थिंग जहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं मुझे एक प्रोडक्ट में काम करना है, मुझे उसको ग्रो करते हुए देखना है और उसको बड़ा करना है. तो मैंने उसके बाद क्लास प्लस ज्वाइन किया एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर. मैंने 70 जनों की टीम बनाई है. पूरा आर्किटेक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास प्लस का मैंने ही स्क्रैच से बनाया. ठीक है. फिर उसके बाद माइंड पीएस. देन कनिका हायर्ड यू? नो. सो बेसिकली उस टाइम पे मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाने का सोच रहा था एम्प्लॉय वेलनेस मैनेजमेंट का. वहाँ पे मैं संजय से मिला. संजय से मैंने अपना आइडिया पिच किया. जहाँ पे संजय ने हमें मिलवाया, हमसे बोला कि एक बार तुम दोनों बात करके देखो, क्योंकि उसमें मेंटल हेल्थ एक कॉमन पॉइंट था. जुलाई 2021 ही जॉइंड अस ऑफिशियली एज द को-फाउंडर ऑफ माइंडपीएस. इक्विटी स्प्लिट मेरे पास 70% है, साहिल के पास 25% और बाकी 5% हमारे कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास. जैसे बेसिकली अरेंज्ड मैरिज होती है, आपकी अरेंज्ड पार्टनरशिप है. हाँ. जनरली स्पीकिंग वो होती नहीं है वेरी सक्सेसफुल, लेकिन आप 2-3 साल से लगे हुए साथ में हुए. So congratulations. मेरी भी वही. Very hard to find a co-founder. अच्छा, आपकी भी ऐसी थी? हाँ, मैं और समीर एक दूसरे को नहीं जानते. That's great when that happens, yeah. It's been like six years now. Wonderful. तो डेमो देंगे? बिल्कुल. तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ऐप. इसमें क्या होता है, जैसे ही आप अंदर घुसते हैं हम यूजर से 14 questions पूछते हैं. ये 14 questions लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेट करके आपको बता रहे हैं. आइडिया ये नहीं है कि मैं किसी को बताऊं कि आप कितने एंग्शियस हो, कितने डिप्रेस्ड हो. हम आपको बता रहे हैं आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो. अब जब आपको ये मिल जाता है, इसके साथ नीचे आपके हाथ में रेकमेंडेड टूल्स एंड गेम्स, पर्सनलाइज चीजें जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका स्कोर बेटर होता रहे. और अब गेम शुरू होता है. आपको रेन ड्रॉप्स कलेक्ट करनी है एज मच पॉसिबल और ये जो प्लांट है वो ग्रो होता रहता है. और एंड में आपको बताया जाता है कि वरीज जो हैं उनको जब आप डाल कर कलेक्ट करते हो तो लाइफ में ग्रो करते हो उन वरीज. चलिए, गॉट इट. यू यूज द गेम एज द सेकंड लेवल ऑफ इवैल्यूएशन. ओके. और उसके साथ एक हम आपको दिखाना चाहते हैं माइंड पीयर्स क्लब, जो कि हमारा सबसे टॉप यूज फीचर है. कम्युनिटी. सपोर्ट ग्रुप. लेकिन आप वेंट आउट करते हैं अनोनिमसली और हमारे इसमें रियल टाइम साइकोलॉजिस्ट रिप्लाई करते हैं. कितने साइकोलॉजिस्ट हैं आपके पेरोल पे? 6. पर ये तो फ्री है ना सर्विस? नहीं. अच्छा, ये पूरा पेड है? ये पूरा पेड है. क्या है एनुअल? इसका आप महीने का 350 रुपए पे करते हैं. हमारे पास 3500 पेड कस्टमर्स. वाओ. तो साइकोलॉजिस्ट जवाब नहीं देगा जब तक पैसे नहीं दूंगा. एंड में एज अ कंज्यूमर मैं क्या अचीव करूंगा इससे? Why will I pay you 350 rupees, जो कि इंडिया में बड़े बड़े OTT platforms नहीं चार्ज कर पा रहे हैं? पीयूष, हमारी टारगेट मार्केट बहुत क्लियर है. हम मिलेनियल्स और जेन जी के पीछे जा रहे हैं. ये वो लोग हैं जो फिटबिट ओन करते हैं, एप्पल वॉच ओन करते हैं, एयरपॉड्स ओन करते हैं. लेकिन कहाँ हैं ये? आज तक आपको 3,500 सब्सक्रिप्शन है, राइट? हाँ. और कितने लोगों को आपने ट्राई किया है सेल करना? आपके MAU क्या है? मंथली 30,000. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. आपने शुरू में कहा 3.5 लाख यूजर्स प्लेटफॉर्म. अब आप कह रहे हो कि 30,000 यूजर्स हैं जिसमें 3,500 पेड है. कौन सा आंकड़ा सही है मुझे नहीं समझ में आ रहा. 3.5 लाख टोटल टॉप ऑफ द फनल जिन्होंने कभी ऐप को खोला है और कुछ यूज कर रहे हैं. टिल डेट. उसका कोई रेलेवेंस नहीं है अभी. आज आपके पास है एक्टिव सब्सक्रिप्शन 3,500. हाँ. आपका कन्वर्जन हुआ 1%. तो मतलब देयर इज नोबडी पेइंग 350 rupees. हाँ, क्योंकि अनुपम हम B2B के पास जा रहे हैं और ये जो 30,000 एक्टिव यूजर्स हैं, बाकी सारे जो यूजर्स हैं वो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं. तो आपका प्राइमरी मॉडल B2B है कि B2C है कि दोनों मिक्स है, क्या है? प्राइमरी B2B है. अच्छा. आप ऐसे क्यों नहीं बता देती कि आपका रेवेन्यू क्या है और स्प्लिट क्या है बिटवीन सब्सक्रिप्शन एंड कॉर्पोरेट? महीने का 16.5 लाख हमारा अक्टूबर का रेवेन्यू, उसमें से 10 लाख B2C से बने, 6.5 लाख हमने B2B से बने. हमने प्रोडक्ट को थोड़ा रोबस्ट होने की वेट करने दी और B2B में हमने अभी सिर्फ 2 महीने पहले लॉन्च किया. ठीक है, आज की डेट में हम 22 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं. 22 लाख पर मंथ? और 22 लाख पर मंथ. तो टेल मी समथिंग, व्हाट इज योर B2B मॉडल? क्या है अगर मैं कॉर्पोरेट हूं, अज्यूम यू आर सेलिंग दिस टू मी, क्या बेच रहे हो आप मुझे? अब
एचआर को क्या मिलता है और वो क्यों पे कर रहा है वो है ये। ये मैं आपको डेटा बता रही हूँ, एक हमारा एक और क्लाइंट है वो सूरत में अपनी फैक्ट्रीज में हमारी ऐप को यूज कर रहे हैं। दे हैव रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए हैं बाय 70%। आपने कहा फंडिंग रेज किया आपने, कहां से कितनी? गुड वाटर कैपिटल और वेंचर कैटलिस्ट ने थोड़ा सा और पैसा। इतने सारे लोग आ गए तो हम आपके हैं कौन? मेरी बहुत स्पेसिफिक आस्क है सब लोगों से, तो मैं शुरू करती हूँ। अमन, अगर ये ब्रांड हाउसहोल्ड ब्रांड नहीं बना तो नहीं चलेगा। और आपको पता ही है आपने बोर्ड के साथ क्या किया है। हम चाहते हैं आप हमारी हेल्प करिए, वही चीज यहाँ तक पहुंचने में थक मत जाना। हाँ। नामिता, फार्मा वाली चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी जब देखेंगे किस तरीके के डेटा इनसाइट्स हम लोग निकाल रहे हैं। अनुपम, रहने दो, आगे बढ़ो। अनुपम के बारे में सोचना पड़ा, सोचना पड़ा। 3.5 लाख यूजर्स जो माइंडपीयर्स में हैं, 60% हैव रिपोर्टेड इश्यूज बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर्स। इट इज, आपको रिलेशनशिप्स का बिजनेस समझ आता है, हमें वो सीखना है। तो सिंपल है, हमारे ऐप के अंदर हम फिटनेस ऐप से कनेक्ट कर लोगों को बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ स्टैट्स कैसे चल रहे हैं। पीयूष, आपने हमारा बहुत सिंपल सा है, कैसे फटाफट कंट्रीज के अंदर स्केल करना है। ये तो प्रूव हो गया कि आप मार्केटिंग हेड थी। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ, व्हाटएवर यू आस्क, 53 लाख 1%। मैं और विनीता भी ऑफर देते हैं 53 लाख 1%। You know this company Infido? Haan. So they do something very similar. Yep. I was their first, one of the first early customers and investor. I think I can help you a lot in this Kanika, business. You have an unbeatable combination. I also want to complete one more thing. Wait. I am an acting chief people officer at Lenskart. I head HR at Lenskart for 10,000 people. I'm using all global tools of HR, not just one HRMS, every global tool I am using, right? But अच्छा, yeah, your call. Pitch ho gayi. मैं आपको ये बताना चाहूंगी कनिका कि the reason me and Vinita are an unbeatable combination is because मैं लाती हूँ healthcare का expertise and Vinita लाती है brand building. जैसे आपने कहा हर घर घर में ये पहुंचना चाहिए. Most importantly, क्योंकि आपका model B2B है, we understand कि COVID के बाद इसकी बहुत जरूरत है in the B2B world. और ये जो आपके अलायंसेस है, इंश्योरेंस, फिटनेस, फार्मा, यहाँ भी नेटवर्क दे सकता है। आई थिंक वी आर अ बेटर कॉम्बिनेशन फॉर यू। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। आप नजेस क्यों नहीं देते हो? ऑन दैट डेटा व्हिच यू हैव कैन बी वेरी यूजफुल। तो नजेस आ सकते हैं ऑन ऑन गो फिट, गो रन, गुड आइडिया, वॉक, टॉक, ये क्यों नहीं करते? इस पे अभी काम चल रहा है और हम नजेस देने वाले हैं आगे चल के। ओके कनिका, डोंट वेस्ट योर टाइम, इस पे हम अभी पीओसी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर देता हूं। यस, मैं जाना चाहता हूं विनिंग टीम के साथ, वो है नमिता विनीता के साथ। सो नाउ यू हैव थ्री शॉट। आपका ऑफर हो गया, मुझे अभी बता देनी चाहिए यार। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक्स फॉर टेकिंग दिस इशू अप, मेरे दिल के बहुत करीब है। आई मायसेल्फ हैव गॉन थ्रू इट। सो आपको मिलके बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस विषय में कुछ किया। लेकिन अगर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट पे आते हैं, मैं समझता हूँ कि आपने जो ऐप बनाया ये थोड़ा खिचड़ी बना दिया। राइट नाउ इसका यूजेज जो है अनफॉर्चुनेटली विद इन कंपनीज इज समवेयर बिटवीन 1-3%। कि जनरली स्पीकिंग एम्प्लॉय जब तक बहुत हालत नहीं खराब होती वो यूज नहीं करते हैं। या तो आपको इसके बारे में सोचना है। आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग बट फ्रॉम माय साइड इट इज अ नो। अनुपम आउट है, आपके पास अभी दो ऑफर हैं। पीयूष, आप हमारे साथ आना चाहेंगे? हाँ, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। तो कनिका, मेरे को अपने लिए 1% चाहिए, तो मैं आपको देता हूँ 53 लाख और 1%, और मैं इनके साथ जुड़ना चाहूंगा, तो आप इनसे ले लीजिए 53 लाख और 1%, और मैं आपको एडिशनल 53 लाख देता हूँ एक और परसेंट के लिए, तो हम चारों आ जाएंगे। I'm okay with that. हम आप चारों को चाहेंगे और हम 53 लाख फॉर 1% आप तीनों के साथ और एक अलग से 53 लाख फॉर 1% पीयूष आपके साथ।
I'm okay. Deal, Bucky. Chalo, let's do it. All right. Awesome. Good for you. Congratulations. Thank you. Phenomenal founders. Phenomenal, 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 phenomenal. You have to realize that role of Aman in this nudge is super critical. Yeah, yeah. Right? मैं जानता हूं आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और आप अपने सपनों के पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। ये हसल, ये भागती हुई दुनिया आपको अलग सुख देती है, पर मैं आज चाहूंगा आपको मैं अपनी दुनिया में लेके जाऊं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। मेरी दुनिया आपकी तरह तेज नहीं है, यहाँ पर ठहराव है, यहाँ पर शांति है। हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है, पर जहां तक आप देखेंगे सिर्फ हरियाली और खेत दिखाई देंगे। हमारे पास एसी की ठंडक तो नहीं है, पर कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़िएगा, उसका आनंद ही अलग है। आप जला रहे हो हमें, बहुत जला रहे हो। थिन क्रस्ट पिज्जा की जगह चूल्हे से उतरी हुई रोटी के ऊपर मक्खन रख के हम खाना पसंद करते हैं। सफेद मक्खन। एनर्जी ड्रिंक की जगह छाछ पीने में हमें ज्यादा मजा आता है। आप और हम एक ही देश से हैं। आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। आज मैं अपने भारत को इंडिया से यहाँ मिलाने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ कुमार रावत है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दयानतपुर से हूँ और बरोसी का फाउंडर हूँ। बरोसी एक ऑथेंटिक फूड ब्रांड है। बरोसी के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं, ना वो मिलावटी हैं, ना वो दिखावटी हैं। हमारे प्रोडक्ट हैं दूध, घी, मक्खन, ऑयल, पिकल, फिल्टर कॉफी इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप हमारी खुद की वेबसाइट barossi.in से खरीद सकते हैं और ये प्रमुख मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। मेरा एक सपना है, मैं बरोसी को इंडिया की हर किचन का हिस्सा बनाऊं। मैं बरोसी को एक बहुत प्यारा लोकल होम ग्रोन ब्रांड बनाऊं। ये कार्य को करने के लिए मुझे आपकी गाइडेंस और 50 लाख की जरूरत है, जिसके बदले में मैं अपनी कंपनी का 2% इक्विटी आपको ऑफर करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप मेरे साथ मिलके बरोसी के भरोसे को इंडिया के हर घर तक लेके जाएं। क्या बात है। वाओ दुर्लभ जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। तो थोड़ा बताइए आपकी कंपनी के नाम का मतलब क्या है और आप जो उत्तर प्रदेश में जहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। विनीता, मेरा पूरा जो बचपन है ना वो भारत में गुजरा है और ब्रांड का जो नाम है वो वहीं से है। बचपन में जब हम अपने गांव में थे वहां पे लाइट होती नहीं थी, दूध को ठीक रखने के लिए बरोसी का यूज होता था। मैं बरोसी आपको बताता हूँ होता क्या है। उस टाइम पे फ्रिज नहीं होता था, जमीन पे एक गड्ढा खोद लिया जाता था, उसके अंदर उपले और लकड़ी जला के मिट्टी का बर्तन रख के उसमें दूध रख दिया जाता था। स्कूल हमारा 6 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना हम पैदल ही करते थे। ओहो, रोज। उसकी स्टोरी बाद में बताएंगे आपको। तो जब शाम को हम पहुंचते थे तो उस दूध में अमेजिंग एक अरोमा और इतनी मोटी मलाई, तो हमारी माता जी जो है उसमें से एक एक गिलास हम दोनों भाइयों को पिला देती थी। अब जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दूध से स्टार्टिंग हुआ हमारा, वो बरोसी हमें याद आया तो बरोसी है। वाह क्या बात है भाई। ये लोगो किसने डिजाइन किया और कैसे, मतलब आपने खुद ने किया? आई एम वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कम देखने को मिलता है इतनी बारीकी। अनुपम, ये बारीकी, मैं भले भारत से हूँ पर मैं अपने ब्रांड से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और एक छोटी सी छोटी चीज मैं परख के ही आगे जाने देता हूँ। वो तो समझ गए। इसमें जो डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो बी जो भारत का डॉट है और आई का जो डॉट है वो इंडिया का डॉट है। तो बरोसी ये दोनों ही दुनिया को आपस में जोड़ता है, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। मुझे लग रहा था ऐसी कोई कहानी है।
बहुत अच्छा। तो दुर्लभ, स्कूल आपने वहीं किया दयानतपुर में जी, और उसके बाद और क्या पढ़ाई करी, और कुछ करते थे बरोसी से पहले? हमारे गांव में जो स्कूल था वो सिर्फ 10th क्लास तक का था, 12वीं करने के लिए हमें 6 किलोमीटर दूर जाना था। माताजी ने बोला अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो साइकिल मिलेगी, अच्छे मार्क्स आ गए साइकिल भी मिल गई, पर जिस दिन साइकिल मिली उसी दिन वो पहले दिन ही एक्सीडेंट हो गई। दूसरी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे तो स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल पैदल खेतों के बीच में से होके जाना पड़ता था। गांव में रहते हुए हमारा एक ही एक टारगेट था कि किसी भी तरह से गांव से बाहर जाना है। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है, उसके बाद में वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ आयशर मोटर्स लिमिटेड में, जहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10 साल काम किया। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है। बारह साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को बिजनेस जो है वो भारत में बनाना है, क्योंकि यही तो मेरे को आता है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती को मैंने पास से देखा है, दूध हमारे बैकयार्ड में गाय और भैंस के हमें मिलता ही था एकदम फ्रेश। तो ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपना जो बिजनेस है वो भारत में स्टार्ट किया। इंडिया दोनों को जोड़ते हुए हमने बरोसी की शुरुआत की। ये 2016 की बात? जी हाँ, 2016 की बात। अगले 2016 से 22 आपको अगले 1 मिनट में खत्म करने हैं। सही है सर। हाँ। तो 2016 से लेके और 2022 तक के बीच में हमने पिछले 4 साल में 1,28,00,000, 2,23,00,000, 4,06,00,000, 4,70,00,000 का रेवेन्यू किया है। ठीक है। ये सबकी बोलती बंद कर दी। और ये B2B बिजनेस में किया आपने? ये नहीं, ये हमने B2C में किया। अच्छा, पिछले मैंने कितना किया? 42 लाख। एक बहुत मुद्दे का सवाल है, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंशिएटर मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सभी अपनी कहानी बोल रहे हैं, कोई भारत कह रहा है, कोई गांव बोल रहा है, तो क्या है ऐसी बात? लास्ट 1 साल में मुझे इसी रीजन की वजह से लग रहा है ग्रोथ भी 4,1,2,4,20 और फिर 4,70 पे ग्रोथ उतना नहीं आया है, शायद इसीलिए बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना आ गया है इस कैटेगरी में। पिछले साल का पर्टिकुलरली पिछले साल में क्यों काम कम रहा है, इससे पहले हमारी ब्रांडिंग अलग तरह की होती थी, उसमें कुछ गैप्स थे और वहां पे हमारे 6 महीने लगे हैं, तो जो सेल्स में हमारा टाइम लगना चाहिए था वो हमारा ब्रांडिंग में टाइम लगा। और एक बूटस्ट्रैप के पास सर बहुत रिसोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन ये जवाब नहीं होता, उसका जवाब मुझे चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंशिएटर? ये दोनों सवाल पे आते हैं बाद में। जी आते हैं, पहले आप प्रोडक्ट दिखा दीजिए। एक दो वहां से लेके आती हूं तब तक। के लिए भी है घी एंड हनी, आप टेस्ट कर सकते हैं, लड्डू जो है एकदम घर के बने हुए। क्या है, हनी घी और 2 लड्डू? ये हमारे ही भरोसे के घी के। क्या है? सेसमी सीड ऑयल। ओहो, बेसन का लड्डू, वाह मजा आ गया। ये रागी का बना है जी। यम। मैंने तो 1 चम्मच घी आपकी खाई अभी, मस्त है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल शुद्ध है। लड्डू बहुत अच्छा है, लड्डू बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है। ये प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं। भाई इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी लड्डू? 1 महीने की। 1 महीना दिखाएंगे अपना इंस्टाग्राम पेज जी। ये इंस्टाग्राम है। कितने फॉलोअर्स हैं? 9,300। ये कम है ना? बहुत कम है। कोई एंगेजमेंट तो जीरो है। आप रील्स क्यों नहीं बनाते जहां एक्चुअली दूध निकलता हुआ दिख रहा है, खेती हो रही है, वो सारा मतलब बनाएंगे तभी तो एंगेजमेंट आएगा। 9,000 तो बहुत खराब है। और 4 साल से कर वो भी करेंगे सर। हमारी एक इन्वेस्टमेंट है हम्पी A2 जी, season 1 में आई थी जी, वो भी यही काम कर रहे हैं जी। तो उनके और आप में आपने इवैल्यूएट किया है क्या फर्क है? हम मार्केटप्लेसेस, Amazon, बिग बास्केट, इसमें पैन इंडिया आप हमारे प्रोडक्ट कहीं भी खरीद सकते हैं। और आज सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो उसका लिस्टिंग होगा वो बरोसी का आपको मिलेगा। क्या सर्च करने में? काऊ घी, A2 काऊ घी,
घी, प्योर घी। Amazon पे आप बोल रहे हो बरोसी का प्रोडक्ट सबसे ऊपर आएगा? बिग बास्केट पे। अच्छा बिग बास्केट, बिग बास्केट। और Amazon पे नहीं, पहले नंबर पे नहीं आएगा। पहले नंबर पे, पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे अन्वेषण, अन्वेषण आएगा। अन्वेषण भाई, अन्वेषण की स्टोरी मैं बताता हूँ। You're an investor, right? मैं इन्वेस्टर हूँ अन्वेषण में। जी। दो साल पहले 2 लाख रुपए महीना करता था। जी। पिछले महीने उसने 1 करोड़ किया है महीना। जी। मैंने एग्जिट ले ली लास्ट राउंड में, 10 लाख डाले थे, मैंने 1 करोड़ निकाले हैं 2 साल में। उसकी ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है। जी। इन्वेस्टर की जरूरत नहीं, तो उसके इन्वेस्टर पैसे वो फिर भी रखता है। जी। बंदे ने फोड़ा है, अब वो पता नहीं किन किन कैटेगरीज में हो रहा है। एंड हम्पी भी अभी जब हमने इन्वेस्ट किया था तब शायद 5 लाख महीना करता था, अभी 50 लाख रुपए महीना कर रहा है। तो 6 करोड़ की सेल हम्पी की भी हुई, और जितना मुझे पता है लास्ट खाली पुणे में बिजनेस करते हैं। लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उनकी अग्रेशन आपसे ज्यादा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोथ तो ज्यादा दिखाई देती है। पैसे के साथ बहुत सारी चीजें आ जाती है, पैसे की बात ही नहीं है इसमें सर। पैसे के साथ आ जाती है, और जैसे आप हम्पी की भी बात कर रहे हैं, एक शार्क टैंक पे आने के बाद में अगर ग्रोथ आ रही है, और एक शार्क टैंक में पहले की स्टोरी में बहुत डिफरेंस है। अच्छा दुर्लभ, आपके टॉप 3 SKUs क्या है? मिल्क जो है वो पूरे बिजनेस का 70% कंट्रीब्यूट। 70% इज मिल्क, सेम कहानी है। सेकंड 20% हमारा घी कंट्रीब्यूट करता है, सबकी सेम कहानी है। तीसरा हनी 4% काउंट करता है। नहीं, मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी 94% जी 3 SKU से है। जी हाँ। तो आपके टोटल SKU कितने हैं? टोटल हमारे SKU 23 हैं। तो मतलब क्यों आपने इतने सारे SKU लॉन्च करके रखे हैं, और अभी और ये 2 लॉन्च करने हैं आपको? प्रोडक्ट में जो वाइट स्पेस जो हमें चाहिए, जहाँ पे हम अभी तक बहुत ही मीटू कैटेगरी में हैं, लड्डू के साथ हम वो एंटर करना चाहते हैं। मुझे तो, मैं बड़े ऑनेस्टली कहता हूँ, घी और शहद बहुत पसंद आया, बट लड्डू सो है। मैं तो यही एडवाइस दूंगा, ऑलरेडी इतने SKU है, एक और कैटेगरी में कहाँ घुस रहे हो? धंधा ही मिल्क है। मिल्क में मार्जिन नहीं है, हमारे हेल्दी मार्जिन है सर। कितने का बेचते हैं हम दूध? हम 88 रुपीज का 1 लीटर है। 88 में आपका क्या मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन जो है हमारे 45%। तो चलो 40 रुपीज मान लेते हैं 88 में। जी। 40 रुपीज में डिलीवरी कॉस्ट लगेगी? इसके ऊपर 12 रुपए की डिलीवरी कॉस्ट लगेगी। बच गए कितने? 28 रुपए बचे। 28 रुपए बच गए। जी। पूरे महीने 10 दिन बेच के भी 280 रुपए बनेंगे। और एक कस्टमर एक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो कम से कम $10 रहती है, 700-800 रुपए। तो एक महीना जाके दूध लेगा तब जाके कुछ बनेगा, और उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी जब आप कॉर्पोरेट खर्चे डाल देंगे उसके अंदर। जी। अभी मार्जिन क्या है, पैसे कमा रहे हो या गवा रहे हो? हमेशा से हम एबिटा पॉजिटिव रहे हैं, पिछले साल तक जो है हमने 14% एबिटा अचीव करते रहे हैं। पिछले महीने कितना प्रॉफिट किया? 42 लाख सेल किया। पिछले महीने हमने 50,000 का कैश बन किया। क्यों किया है? क्योंकि अब हम ग्रोथ स्टोरी में हैं, अपने ही पैसे से जो हम दूध से पैसा कमाते हैं उसको हम पर्टिकुलरली घी की चैनल पे, उसकी ग्रोथ में, उसकी मार्केटिंग में हम उस पैसे को लगाते हैं। दुर्लभ, मैंने अपना डिसीजन बना दिया है। जी। तो बेसिकली पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि विलेज से आप आए हो वेस्ट UP के, और आज आप 5 करोड़ पर ईयर सेल्स कर रहे हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी। लेकिन एज इन्वेस्टर्स हमारा जॉब है इस मंच पर बैठ के आपको आईना दिखाना। जी। राइट? जी। और हम सब एक ही चीज आपको बता रहे हैं कब से, ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है। अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएटर नहीं होगा तो इसमें एक ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर आप वाइट स्पेस के नाम पे लड्डू लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको अगर सचमुच इसमें स्केल लानी है बहुत काम की जरूरत है। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। ओके, चलिए दुर्लभ, मेरा भी डिसीजन बन गया है। आपकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग फैंटास्टिक है। आई विश जो आप यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर पा रहे हो वो आप अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू कर पाते, पर अभी चैलेंज ये है कि जो 70% बिजनेस जहाँ से आता है दूध,
वो एक प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, वो ब्रांड बिजनेस नहीं रहा है, वो एक सप्लाई चेन बिजनेस रहा है जहाँ काफी लोग डोर टू डोर डिलीवरी में मास्टरी करके उसको क्रैक कर चुके हैं। तो अभी अपना हीरो प्रोडक्ट वो क्रैक करना बाकी है, तो एट दिस स्टेज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। देखो आई थिंक आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर हैं, काफी हसमुख हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और मुझे लगता है आप आगे भी ये बिजनेस बड़ा बना लेंगे। इस साल आपका रेवेन्यू कम रहा बिकॉज आपने 6 महीने ब्रांडिंग में लगा दिया, बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड इट। ये पैरेलल है जी, यू नो ये भाग रहा है और आपको ये सब चीजें साथ साथ ठीक करनी है। ये लेवरेज ये नहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी बिजनेस में। मैं इसमें नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मैं हम्पी में इन्वेस्टर हूँ और ये बिल्कुल ही डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा जी, तो मिलेंगे मैदान में। तो भाई आप क्या सीख लेके जा रहे हैं? आज के जो चैलेंजेस हैं वो प्रोडक्ट में जो एक वाइड स्पेस वाला एक जो हमारा हीरो जो है जिसमें हाई ग्रॉस मार्जिन होंगे, अगर वो आगे से लीड करेगा भरोसी को तो वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ भरोसी को लेके जाए। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आईना आपको मिल गया यहाँ इस मंच पे। देखिए आपकी मार्केट जिसमें आप हैं लाखों करोड़ की मार्केट है जी, है ना, भारत के किसान हो, मुझे लगता है ऐसा कोई प्रोडक्ट जरूर निकाल पाओगे जिससे आप धंधा बना पाओगे। आज इन्वेस्टेबल नहीं है मेरी तरफ से, इसलिए मैं आउट हूँ, बट गुड लक टू यू। आपने वो देखी है 3 इडियट्स? जी। उसमें बोलता है लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, सुना है? जी। कहने का मतलब ये है कि बॉस भागो, मैं भी आउट हूँ, भागो जी। तेज भागो, आपके कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, सेम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं। मेरा फीडबैक ये रहेगा आपके लिए, हम पांचों को प्रूव कीजिए कि हम गलत थे, 100 करोड़ का ब्रांड बनाइए, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, डिफरेंशिएटर क्या? 1 month का प्रोडक्ट इज इज वाइट स्पेस, यू नो हाउ कैन अ लड्डू बी द वाइट स्पेस? इज अ परफेक्शनिस्ट, इज अ परफेक्शनिस्ट। अनुपम, आज शार्क एक्सपीरियंस में करनाल से स्मृति आपसे पूछना चाहती हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है और ये एक बिजनेस के लिए कितना जरूरी है? जब एक अच्छे मार्केट में एक अच्छे प्रोडक्ट को स्वीकार किया जाता है एक सही प्राइस पॉइंट पे, तब उसे हम प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना आप बिजनेस नहीं बना सकते हो। अगर आप shaadi.com का एग्जाम्पल ले लीजिए तो हमें एक्चुअली काफ़ी साल लग गए प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढने में, क्योंकि जब हमने लॉन्च किया तब हमने इसको पेड मॉडल किया था कि आपको पैसे भर के साइन अप करना है, तो किसी ने उसके पैसे दिए नहीं क्योंकि लोग वैल्यू सीकर्स हैं, वो पहले देखना चाहते हैं इसमें सच में काम होता है कि नहीं। तो हमने कई मॉडल्स ट्राई किए कुछ सालों के लिए और फिर इवेंचुअली हमें एक मॉडल मिला जहाँ पहले आप दूसरे आदमी को कॉन्टैक्ट कीजिए, अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तभी आप पैसे भरें, तब जाके बिजनेस बना और प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला। We'll be right back.